हो गया। आ जाओ दोस्तों, और ये वाला मैच देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो है मैं सॉकर का जो गेम है वो लगा रहा हूँ, और मेरे दो ग्रैंडसन हैं, ट्विंस हैं। ये वाला खेलता है सॉकर, दूसरा वाला खेलता है बास्केटबॉल। आजकल लगभग रोजाना ही कहीं ना कहीं जाना होता है खेलने के लिए। सॉकर मैच पे जा रहा हूँ। कितने बजे से? 8 o'clock रात में। वैंकूवर जहाँ मैं रहता हूँ, हालांकि एक छोटा सा शहर है, 2 लाख से भी कम की आबादी है, लेकिन यहाँ पर स्कूलों में जो है प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और कॉलेज लेवल पर सभी में जो खेल कूद की सुविधाएँ हैं वो एकदम विश्व स्तरीय होती हैं। शायद यही कारण है कि जिसकी वजह से कि खेल कूद में अमेरिका जो है वो ओलंपिक्स में इतना आगे है। और यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर सॉकर के जो शौकीन लोग हैं उनको जर्सी या उससे रिलेटेड सामान जो है वो मिलता है, और एक कैंटीन भी है जहाँ पर आप बैठकर कुछ खाना वगैरह खा सकते हो, स्नैक्स वगैरह या ड्रिंक वगैरह पी सकते हो आप यहाँ पर बैठकर। और क्योंकि मैं आज यहाँ पर आया था, मेरा जो ग्रैंडसन उसका मैच था सॉकर का, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों वीडियो बना लिया जाए, एक पंथ और दो काज हो जाएंगे, और जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है उसे एक जानकारी मिल जाएगी कि खेलों को किस प्रकार से यहाँ पर अमेरिका में जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। हमारे शहर में बच्चों के खेलने के लिए इस तरीके के 2 इंडोर ग्राउंड्स हैं, एक तो है जिसमें प्राइमरी से लेकर और मिडिल स्कूल तक के बच्चे खेलते हैं, दूसरा जो है फिर वो हाई स्कूल से लेकर और ऊपर के बच्चे जो हैं वो वहाँ पर खेलते हैं। और ग्राउंड के चारों तरफ जो ये जहाँ लोग बैठे हुए देख रहे हो आप, ये फाइबर ग्लास की एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई है ताकि बॉल से किसी को चोट ना लग जाए, और उससे ऊपर जो है वो नेट लगा हुआ है। पेरेंट वगैरह जो है वो बाहर से बैठ कर यहाँ से मैच को देख सकते हैं। और एक साइड में शील्ड नहीं लगी थी, वहाँ से जो है खिलाड़ी वगैरह अंदर आ रहे थे, तो मैंने कहा यार उस तरफ शील्ड नहीं है, चलो वहाँ चलता हूँ, वहाँ जाकर वीडियो बना लूँगा। उस तरफ से जाकर मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे इस एरिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ना मुझे मालूम था। हमारे यहाँ वैंकूवर में ऐसे कोई लगभग 8 महीने के करीब बारिश होती है, उससे ज़्यादा बारिश होती है। शायद उसकी वजह से ही एक ये रीज़न हो कि जो गवर्नमेंट है उसने इस तरीके के इंडोर स्टेडियम भी बना रखे हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं। हालांकि स्कूल के पास, हर एक स्कूल के पास अपने ग्राउंड तो होते ही होते हैं, लेकिन इंडोर जो है ये स्कूल का नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का है जहाँ पर मतलब दिन भर ही यहाँ पर इस तरीके के सॉकर के जो मैच हैं वो चलते रहते हैं। और मैच शुरू होने वाला है, और देखना कि मैं वीडियो बनाते बनाते कहाँ किस एरिया में चला गया था। चारों तरफ तो लगा हुआ था फाइबर ग्लास, और एक तरफ जहाँ से बच्चे जो थे वो ग्राउंड में एंटर हो रहे थे वहाँ पर ग्लास था नहीं, तो मैंने कहा चलो चलता हूँ और उधर से देखता हूँ, वीडियो बनाऊँगा, वहाँ से शायद अच्छा वीडियो आएगा, क्लियर आएगा। और वहाँ पर एक बड़ी अजीब बात हुई, मतलब बाद में मेरे को बहुत ही शर्मिंदगी हुई उस बात से, लेकिन आप ये सोचना कि मैं जिस एरिया में जहाँ से ये बच्चे जाते हैं खेलने के लिए वहाँ चला गया, मैं मुँह उठा के ऐसे ही, मैंने देखा भी नहीं कि कहाँ दीवार पर क्या लिखा हुआ है। और अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, अभी आप देखना कि क्या लिखा हुआ वहाँ पर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नो पेरेंट बियॉन्ड दिस पॉइंट, मैंने देखा ही नहीं, मैं चल दिया अपने आराम से। और इतना बड़ा बड़ा दीवार पे भी लिखा हुआ है, नोटिस लगे हुए हैं कि इस एरिया में सिर्फ खिलाड़ी ही जा सकते हैं, स्पेक्टेटर्स या कोई और इस एरिया में अलाउड नहीं है। और कुछ नहीं, मैं तो बस चल दिया, ये तो मैंने बाद में रिकॉर्ड करा है जब मेरी बेटी मुझसे करे पापा ये देखो तुम कहाँ चले गए थे, कहाँ जाकर तुमने वीडियो बना रहे हो, तुम जाकर ये देख लो सारा वहाँ नोटिस लगे हुए हैं। और मैंने बिल्कुल भी कोई ध्यान ही नहीं दिया यार, मैं चला गया वहाँ पर। फिर एक बंदा आया, उसने मुझसे कहा कि आप यहाँ जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ये कोई आपका बच्चा खेल रहा है यहाँ पर? तभी मेरा जो ग्रैंडसन है वो आ गया भागता हुआ, उसने कहा कि हाँ ही इज़ माई ग्रैंडपा। तो उसने कोई बात नहीं, जबकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, और सोचो मेरे से मतलब किसी ने भी ये नहीं कहा, ये सब खड़े हुए हैं वहाँ के जो अधिकारी वगैरह हैं जो भी स्पोर्ट्स के, जो कि आप क्यों यहाँ पर वीडियो बना रहे हो, आपको यहाँ वीडियो नहीं बनाना चाहिए। बहुत ही बेहद शर्मिंदगी हुई मेरे को। और जो बच्चे अपनी पढ़ाई में 72 से बिटवीन 100% के बीच में एवरेज मार्क्स लाते हैं, जिनकी परसेंटेज होती है, उन्हीं को ही बस खेलने में का मौका मिलता है, और बाकी को किसी को खेलने का मौका नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो किसी खेल में भाग लेना तो कम से कम आपके 72% मार्क्स होने चाहिए, तब आप ये सपना ले सकते हो कि आप किसी खेल में भाग ले सकते हो। ये एक बहुत ही मतलब अजीब बात लगी मेरे को। ब्लैक ड्रेस में जो टीम है वो मेरे ग्रैंडसन की, और दूसरी वाली अपोजिट टीम है उनकी। और लड़के लड़कियाँ इसलिए खेल का हिस्सा, मुझे पता लगा बाद में कि ये लोग जो हैं फ़न के लिए इन्होंने अपना आपको इनरोल करा रखा गेम्स में, ये कोई प्रॉपर टीम नहीं है स्कूल की।
टेक्निकली मेरा वीडियो कोई खास नहीं है, लेकिन बस ये कि एक इस वीडियो के ज़रिए आपको ये पता लग सकता है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ ही खेल जो है वो पॉसिबल है। कोई सोचा है कि पढ़ूँ ना और मैं खेल सकता हूँ, तो ये एकदम असंभव बात है। अगर आपको खेलना है किसी भी गेम को, तो उसके लिए आपको उच्च से उच्चतम मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने पड़ेंगे, तभी आपको खेलने की जगह मिल सकती है। आप लोग मैच देखो, और मेरे ग्रैंडसन की जो टीम थी वो 5-6 से हार गई। अगला जो वीडियो डालूंगा बास्केटबॉल का डालूंगा, और कोशिश करूंगा कि क्वालिटी को इम्प्रूव करूं, ढंग से वीडियो बनाऊं। चलो फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर। कितने पागल होते हैं यहाँ पर है। हाँ इसलिए बॉल थैंक यू। अरे रिकॉर्ड हो गया। सेकंड